सीसामा विधानसभा सीट से लगातार विधायक रहे और इस बार के उम्मीदवार हाजी इरफान सोलंकी हमारे साथ हैं। लगातार जीते हैं, कई सरकारों में विधायक रहे हैं। हवा किसी की भी हो, सीसामो में आप ही की हवा चलती है क्या? इस बार चल रही है? चल रही है, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। हवा चल रही है, हमने बीएसपी का दौर भी देखा, हमने हमारे अखिलेश जी का भी दौर देखा, हमने योगी जी का भी दौर देखा। हवा इसलिए चल रही है कि योगी जी ने हमेशा हिंदू और मुसलमान की बातें करी। विकास पेपरों में हुआ है, जमीन पे नहीं हुआ। उनकी फाइलों में जरूर हुआ है पर हमारे वहाँ नहीं हुआ। कानपुर में आप भी हैं, आज कानपुर का दौरा कर लीजिए। ऊपर वाले का ऐसा नहीं, परिवर्तन ही है। हम पीरोद पे करें जहाँ हमारा हिंदू भाई हमें प्यार करता है, और यकीन मानिए ये सीट जो है हिंदू मुसलमान एकता का एक ऐसा प्रतीक बना हुआ है जो हिलाए नहीं हिला। अब मैं बधाई देता हूँ, मेरी बात खत्म हो जाए, कि यही वो गली है जहाँ पे देश के गृह मंत्री जी ने पद यात्रा करी थी और लोगों को झूठे वादे करते हुए गए थे। आधी दूर नहीं पहुँचे थे, उनका यात्रा 2 किलोमीटर की थी। मेरी बात फिर से सुनो, 2 किलोमीटर की यात्रा थी और 1 किलोमीटर बाद उनको लगा कि जनता ने उनको नकार दिया है, तो उन्होंने वापस यात्रा वहीं ख़त्म करी। वो वीडियो आपने भी देखा होगा, क्लिपिंग चली हुई है कि भैया ख़त्म करो, यहाँ कुछ नहीं, इन्होंने ख़राब कर दिया। तो ये जनता ही है, यही जनता है सर पर बैठाती है और यही जनता है जमीन में उतार देती है। इरफान सोलंकी में ऐसा क्या है कि बार बार सर पर बैठा देती है? आपका परिवारवाद का आरोप लगता है? परिवार का आरोप इसलिए नहीं लग सकता मेरे ऊपर कि हम जनता के बीच में रहते हैं। उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। ये बगल में बरखेश्वर मंदिर है, हमारी योजना, हमारा काम था, हमारे पास प्रोजेक्ट आया, हमने एक टूरिज्म विभाग से हमने यहाँ पर पैसे स्वीकृत कराए, तो ये सब लोग जानते हैं। आरोप तो बीजेपी आप पर लगाती है कि आप टोपी का साथ देते हैं, 80-20 की बात करते हैं, ये सारी बातें क्यों कही जाती हैं फिर? वो कहते हैं, इनके दिल से कैसे निकालोगे? जो आज माशाल्लाह में हमें हिंदू भाई 20,000 वो देता चला है, उनकी बात यहाँ की जनता नहीं सुनती है। एक सवाल और, क्योंकि आज प्रमिला दीक्षित प्रमिला पांडे का उनका वीडियो एक निकला है जिसमें साफ तौर पर वोट देती हुई दिख रही हैं अपनी पार्टी को, क्या कहेंगे उस वीडियो? देखिए, वोट तो अपनी पार्टी को दिया उन्होंने, उनका अधिकार है, पर उनको वीडियो नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो शहर के फर्स्ट लेडी हैं, मेयर हैं, क्योंकि अब वो आप क्या नज़ीर पेश करें, आप उदाहरण क्या पेश करें, अब हम भी करें ये भी करें, तो मुझे लगता है ये काम उनका अधिकार, अब वोट देने का पूरा अधिकार है। इसीलिए आपने देखा वोट के बगल में एक सैदो पेपर लगा होता है कि ये चीज़ पता ना चले, और आप बताना चाह रहे हो भाई, इसका मतलब या तो आपके आला अधिकारी वो शक है, उनको शक था कि बीजेपी को नहीं देंगी, इसलिए उन्होंने उनको दिखाने के, देखिए आप 2 क्वेश्चन हो गए, उनको दिखा अपनी रॉयल्टी दिखाने के लिए, हो सकता है उनके प्रत्याशी को शक हो, उन्होंने शिकायत कर दिया होगा कि ऐसा ना हो मेयर साहिबा मुझे, ये जांच का विषय है, वो शक के दायरे में आ गई। लेकिन जब आप अपनी बात करें तो अपनी जीत का कितना भरोसा और किस आधार पर? हमें पूरा यकीन इसलिए है कि मेरी जो कानपुर की जनता है, खासतौर से सीसामऊ की जनता है, ये राम रहीम दोनों को मानती है। उदाहरण है, 25 साल से अलहमदिल्ला हम इनके दिल में राज करें। ये यहाँ की जनता से आप पूछ ले, मैंने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं करी होगी। अगर यहाँ सामने आपका सिंधियों का मंदिर है, झूलेलाल मंदिर, मैं यहाँ भी आया हूँगा, भंडारा हुआ होगा, मैं बरखेश्वर मंदिर भी आया हूँगा, इसे मुझे मालूम है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पर ये वो बीजेपी वाले भूल गए थे, हमेशा हिंदू की बात करते रहे और आज हिंदू ही उनसे दूर हो गया। देखिए, कौन किससे दूर है इसका फैसला जनता करेगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज लोहीवाल, कानपुर, ABP News।